खबर अभी 2 घंटे पहले की ही है और आपको बता दूं कि आज की ये खबर देख आपको भी बहुत गुस्सा आएगा कि अभी भी हम किसका इंतजार कर रहे, क्यों एक ही बार में इस मामले को रफा दफा नहीं करते, जबकि हमारे पास हर वो एसेट, हर वो हथियार सटीक रणनीति तक मौजूद है। इसके बावजूद हम बस मूर्खों की तरह इसे झेल रहे और अपने वीर जवानों को मौत के मुंह में धकेल रहे। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ा अटैक भारतीय सेना पे हो चुका है जिसमें इस बार भारी नुकसान भारतीय सेना को उठाना पड़ा। वैसे मैं एनकाउंटर की हर वीडियो आपसे शेयर करता हूँ और बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि आज हमारे सुरक्षा बलों ने इतने पाकियों को मारा, आज हमारे जवानों ने इतने जिहादियों से हथियार बरामद किए, लेकिन आज क्या कहूँ कि पाकिस्तान ने भारत के कितने जवान मार गिराए। बहुत ही दुख देने वाली खबर है कि एक ही रात में भारत के 5 जवान वीरगति को प्राप्त हुए और सबसे अधिक दुख तो इस बात का है कि इस मुठभेड़ के दौरान एक भी आतंकी मारा नहीं गया, सबके सब सही सलामत जंगल में भाग गए। दरअसल न्यूज में बताया जा रहा है कि सोमवार को राष्ट्रीय राइफल और जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष दस्ते ने देर शाम कश्मीर के डोडा शहर से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर देरा वन क्षेत्र में एक संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया था। इंटेलिजेंस की ओर से इनपुट मिले थे कि कुछ आतंकी यहाँ मौजूद है जो किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं, तो उन्हीं को पकड़ने के लिए यह तलाशी अभियान चलाया जा रहा था कि तभी सामने से गोलियों की बौछार शुरू होती है और हमारे 5 जवान बुरी तरह से घायल होते हैं। और अगली सुबह ही खबर आती है कि इन सभी जवानों ने कुछ घंटों में ही दम तोड़ दिया। और दोस्तों, ये हर बार होता रहा है, जब भी हमारे जवान इन जिहादियों का पीछा करते हुए जंगलों में जाते हैं तो उस जंगल में से हमारे जवानों की लाशें ही बाहर आती है, जबकि सभी पाकी सही सलामत बॉर्डर क्रॉस करके पीओके भाग जाते हैं। पिछले बार भी राजौरी सेक्टर में ऐसा ही हुआ था जब इन पाकियों ने बम धमाके करके जंगल के रास्ते पाकिस्तान भागे थे। अब यहाँ मेरा सवाल ये है कि जब पाकिस्तानी जंगल में भागते हैं तो उन्हें मारने के लिए स्पेशल फोर्सेस या कमांडोस क्यों नहीं भेजे जाते, ऐसे राष्ट्रीय राइफल्स के आम सिपाही क्यों भेजे जाते जिनके पास जंगल के अंदर लड़ने वाली कॉम्बैट ट्रेनिंग शायद ना हो। ये काम कमांडोज का है तो वहाँ आम सिपाही की जान दांव पे क्यों लगाई जा रही है। भारतीय सेना के पास हर वो स्पेशल फोर्स है जो जमीन से लेकर पानी में तक अपने मिशन को अंजाम दे सकती है, तो फिर ऐसे सिचुएशन में उन्हें क्यों नहीं बुलाई जाती। हम सिर्फ एक बटन दबाकर पीओके में मौजूद सारे लॉन्च पैड्स ब्रह्मोस से उड़ा सकते हैं और पाकिस्तान को भनक भी नहीं लगेगी। इसके बावजूद ऐसा कुछ भी निर्णय सरकार क्यों नहीं ले रही। आप और मैं दोनों जानते हैं कि कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ होती रहेगी, वो कभी नहीं रुकने वाली, क्योंकि कितने जिहादी मरते हैं उससे पाकिस्तान को कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसे तो बस कश्मीर चाहिए, लेकिन कोई जवान मरता है तो हमें फर्क पड़ता है। आज हमारे 5 जवान शहीद हुए, इससे पहले 20 हुए थे और अगर कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो और भी जवान शहीद होने तय है। तो ऐसे में आप ही बताइए, क्या हमें ऐसे ही अपने जवानों की जान के साथ खेलते रहना चाहिए या इन पाकिस्तानियों के खिलाफ कोई कठोर कदम भी उठाना चाहिए। सब अपनी राय जरूर दे और वीरगति को प्राप्त हुए सभी जवानों को श्रद्धांजलि के तौर पर एक जय हिंद भी जरूर लिखे। जय हिंद।